कला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। जय जिनेन्द्र नमी ऊण वढ़माणम परम पाणम जिणम तिशोधेण वोच्छामिरयण सारम सायारिणयारिधम मीणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज, हम श्रावकों के मुख्य कर्तव्य दान और पूजा का वर्णन करने के बाद वर्णन कर रहे हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव में क्या अंतर होता है, कैसे उसके परिणाम होते हैं, सम्यक दृष्टि किस में अपना समय बिताता है, मिथ्या दृष्टि भोग वांछा में, वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा में, दुर्भावना में, लड़ाई झगड़ा करने में, क्रोध आदि में ही अपना समय व्यतीत कर देता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करने की भावना रखता है और निरंतर ही अभ्यास और प्रयास करता है कि मेरे ज्ञान में, मेरे वैराग्य में किस प्रकार वृद्धि हो। वास्तव में हमारी आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ही है और हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन वर्तमान काल अवसर्पणी में भी हुंडाओसर्पणी चल रहा है, पंचम काल है, इसलिए अधिकांश जीव मिथ्या दृष्टि हैं और उनके परिणाम भी खराब होते हैं और यही चर्चा आचार्य महाराज अगली गाथा में कर रहे हैं। देखते हैं गाथा क्रमांक 54। अजव सपिणी भरहे पौरा रुद्दठ झाणया दिठा रठा दुठा कठा पाविठा किन्नील का ओदा बोलिए। अजव सपिणी भरहे पौरा रुद्दठ झाणया दिठा रठा दुठा कठा पाविठा किन्नील का उदा। देखिए कैसी स्थिति है इस पंचम काल की भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल की, वो यहाँ बता रहे हैं। अजव सपिणी भरहे, अजव अर्थात आज वर्तमान में, अवसपिणी अवसर्पणी काल में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी, और अवसर्पणी में भी हुंडाओसर्पणी, असंख्यात अवसर्पणी बीतने के बाद में एक हुंडाओसर्पणी काल आता है जिसमें चित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। तो ऐसे इस अवसर्पणी काल में भरहे अर्थात भरत क्षेत्र में जहां हम लोग निवास करते हैं, रुद्धठ झाणया, रुद्रठ रुद्र और औद्र अर्थात आर्त, रुद्र ध्यान अर्थात रुद्र ध्यान और आर्त ध्यान से युक्त सहित, जिनमें आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान अधिक पाया जाता है, और नट्ठा मतलब नष्ट है, जो जन से धन से तेज से इन सब से जो नष्ट हैं, जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं रही क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है, अवसर्पणी काल में सब कुछ डिमोशन होना है आयु में, सुख में, वैभव में, तो ये सब जिनके नट्ठा माने नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होते हैं, साथ में दुट्ठा कट्ठा, दुट्ठा मतलब दुष्ट व्यक्ति, जिनके मन में हमेशा दूसरों की धन संपत्ति छीनने का भाव रहता है, पर धन पर वनिता इन सब की ओर जिनकी दृष्टि रहती है, ऐसे दुर्जन स्वभाव वाले, और कट्ठा माने कष्ट से युक्त दुखी व्यक्ति, काल का नाम ही है दुखमा, और हम उम्मीद करते हैं हमें सुख मिल जाए, हर इंसान हर जीव दुखी है, ऐसे दुख से युक्त
और पाविठा अर्थात पापिष्ठ पापी जीव जिनका हर समय पापों में ही लगा हुआ है, पूरे दिन भर झूठ बोलना, चोरी करना, उसका पैसा इसको दिया, इससे छल कपट किया, ये मायाचारी की, हिंसा करी, गलत व्यवहार किया, आचरण गलत हुआ और बस परिग्रह को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे पापी जीव। और साथ में किण्ण नील काओदा, किण्ण अर्थात कृष्ण, नील अर्थात नील और काओदा मतलब कापोत। कृष्ण, नील और कापोत इन तीन अशुभ लेश्याय वाले जीव पौरा, पौरा माने प्रायः प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दिखा मतलब देखे जाते हैं। आचार्य महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, वर्तमान इस अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में अधिकांश मनुष्य कैसे देखे जाते हैं, जो आर्त रौद्र ध्यान वाले हैं, जो धन संपत्ति वैभव को नष्ट करने वाले हैं, जो दुष्ट दुर्जन स्वभाव वाले हैं, जो पापी हैं, क्रोधी हैं, दुखी हैं, कृष्ण नील कापोत लेश्या से सहित हैं, ऐसे जीव वर्तमान में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में आत्मकल्याण बहुत दुर्लभ है। भैया जी, ये अवसर्पणी काल क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चतुष्टय की अपेक्षा से काल का भी अपना महत्व होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, जिस काल में मनुष्यों में या वहाँ के जीवों में निरंतर उनके वैभव में, सुख में, उनकी आयु में, ऊंचाई में, इन सब में वृद्धि होती रहे, उसको हम कहते हैं उत्सर्पणी काल। और जहाँ इन्हीं सब में, आयु में, बल में, सुख में, वैभव में, इन सब में निरंतर घटोतरी, कमी कमी होती रहे, उसको हम कहते हैं अवसर्पणी काल। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी, 500 धनुष की। अजितनाथ भगवान की अवगाहना 450 धनुष की। संभवनाथ भगवान की अवगाहना 400 धनुष की, कम कम होती गई। और महावीर भगवान की ऊंचाई तो मात्र 7 हाथ की थी। ऐसे ही उनकी आयु में आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की, अजितनाथ भगवान की 80 लाख पूर्व की, महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु। तो कहने का तात्पर्य है अवसर्पणी काल, जिसमें हर चीज कम कम होती जाती है। और आज वही स्थिति हम देख रहे हैं। पहले काल का नाम था सुखमा, सुखमा उत्तम भोग भूमि का काल था, सब कुछ सर्वस्व सुख ही सुख था। दूसरे काल का नाम सुखमा, तीसरे का नाम सुखमा दुखमा, चौथे काल का नाम दुखमा सुखमा, पांचवें काल का नाम दुखमा और छठे काल का नाम दुखमा दुखमा। अभी चल रहा है ये पंचम काल, जिसका नाम है दुखमा। आगे का समय इससे और अधिक दुखी दुख वाले आने वाला है। ये काल का प्रभाव है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, इस अवसर्पणी काल में अधिकांश जीव इसी तरह के होते हैं। छठे काल के लिए तो आचार्यों ने लिखा, सब पापी, रौद्र परिणाम वाले, एक दूसरे को मार करके खाने वाले, इस तरह के नंगे घूमने वाले जीव पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि वो काल ही ऐसा होगा, और काल के निमित्त से कहीं ना कहीं हमारे परिणामों में भी अंतर पड़ता है। इसलिए वर्तमान में जिस तरह के जीव अधिकांश रूप से पाए जाते हैं, उसकी चर्चा इस गाथा में यहाँ की गई है। और इसीलिए आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, वर्तमान में प्रचुरता मिथ्या दृष्टि जीवों की है, सम्यक दृष्टि तो बहुत 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 दुर्लभ है। देखिए, अजव सब पिणी भर हे, अजव सब पिणी भर हे, पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा, पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा, सम्मत पुव्व साया, सम्मत पुव्व साया, रणयारा दुल्हा होंती, रणयारा दुल्हा होंती। बोलिए, अजव सब पिणी भर हे, पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा, सम्मत पुव्व साया,
रणयारा दुल्हा होंती। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अज्ज वि सप्पिणी भरहे, अज्ज अर्थात आज वर्तमान में, अवसप्पिणी अर्थात अवसर्पिणी काल में, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ऐसे इस अवसर्पिणी काल में भरहे अर्थात भरत क्षेत्र में, पंचमयाले पंचम काल में, दुखमा नाम का जो वर्तमान पंचम काल चल रहा है उस भरत क्षेत्र में, अवसर्पिणी के वर्तमान के पंचम काल में, मिच्छ पुव्वया सुलहा, मिथ्यात्व पूर्वक जीवन जीने वाले मिथ्या दृष्टि जीव सुलहा सुलभ हैं। अधिकांश लोग मिथ्या दृष्टि ही हैं, उन्हें कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं, वे तो बस अपने मिथ्या भाव से युक्त होकर के विषय कषायों में प्रवृत्त होते हुए, और जो पिछली गाथा में हमने पढ़ा रुद्र परिणाम वाले, आर्तर रुद्र ध्यान वाले, अशुभ लेशा वाले, इस तरह के जीव वर्तमान में सुलभ हैं, अर्थात बड़ी अच्छी तरह से या बड़ी बिना कठिनाई के ही मिल जाते हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं। और साथ में कह रहे हैं सम्मत पूर्व अर्थात सम्यक्त्व पूर्वक, सम्यक्त्व से जो युक्त है अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, सायार नयारा, सायार अणयारा, सागार और अनगार, सागार मतलब गृहस्थ और अनगार माने मुनि महाराज, सम्यक दर्शन से युक्त श्रावक और सम्यक दर्शन से युक्त मुनि, अनगार माने मुनि महाराज, दुल्लहा होंती दुर्लभ होते हैं। वर्तमान इस पंचम काल में वास्तव में सम्यक दृष्टि सुलभ है और सम्यक्त्व से रहित सम्यक दृष्टि दुर्लभ है, और सम्यक्त्व से रहित जो मिथ्या दृष्टि हैं वे बड़े सुलभता से हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमारी गिनती सम्यक दृष्टियों में आए, मिथ्या दृष्टियों में नहीं। भैया जी, वर्तमान में सम्यक्त्व की दुर्लभता का कारण क्या है? जरा विचार कीजिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? जहाँ पर हमारे अंदर परिणाम अच्छे हों, विषय कषायों की ओर बहुत अधिक प्रवृत्ति ना हो, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बताई गई है। आप कह रहे हैं अधिकांश लोग सम्यक दर्शन से रहित क्यों हैं? जरा सोचो तो सही, कितने मनुष्य हैं? लगभग 8 अरब 8.5 अरब लगभग मनुष्य हैं। उन मनुष्यों की अगर हम बात करें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। मैं आपसे पूछता हूँ, उन सब मनुष्यों में कितने लोग हैं जो सच्चे देव को जानते भी हैं, सच्चे देव के दर्शन भी करते हैं? जैन कुल में पैदा होने वालों के अलावा तो मुश्किल से कोई 2-4 होंगे जो सच्चे वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धान रखते हैं, और जैन कुल में पैदा होकर के भी ऐसे बहुत लोग हैं जो वीतरागी भगवान के अलावा सरागी देवी देवताओं को, मिथ्या देवी देवताओं को पूजते हैं। और दुनिया देखो तो कहाँ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना धन संचय करना है, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं वो अपने आत्मा के बारे में भी नहीं सोच पा रहा, वो स्वयं के बारे में तो सोच रहा है लेकिन स्वयं की सुख होने के बारे में, जो ये इंद्रिय सुख है, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा घर बहुत अच्छा हो, मेरे बाहर नौकर चाकर हो, मेरे बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हो, समाज में मेरा रुतबा हो, बस दूसरों की तरफ ही उसकी दृष्टि है, विषय कषायों की ओर ही उसकी दृष्टि है, आत्म कल्याण की ओर दृष्टि नहीं है। और जब तक आत्म कल्याण की ओर दृष्टि नहीं होगी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा, जब 7 तत्वों पर श्रद्धान करने की बात आती है तो आचार्यों ने कहा मैं जीव हूँ, जीव का स्वरूप क्या, ज्ञान दर्शन चेतना। अब ये क्या है, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो फिर सम्यक दर्शन की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए वर्तमान में सम्यक दर्शन की बहुत दुर्लभता है, मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, आचार्यों ने तो शास्त्रों में लिखा है वर्तमान पंचम काल में अंगुलियों पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। इसलिए अब हमारा नंबर किस में आए, ये हमें अपनी कोशिश करनी है, हमें भीड़ में नहीं जाना, हमें अलग बनना है, हमें आम आदमी नहीं बनना, हमें अपनी आत्मा का कल्याण रूप जो मार्ग है, रत्नत्रय मार्ग है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करना है।
तो आज की कक्षा में हमने जो दोनों गाथा पढ़ी उससे क्या समझना है? मानते हैं वर्तमान पंचम काल में अधिकांश जीव पापी, दुष्टि, मायावी, लोभी इन सब में लगे हुए हैं। ये सभी जीव मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ का मतलब ये भी नहीं कि नामुमकिन नहीं है। वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। क्या करें हम? सम्यक दृष्टि की पहचान है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। इन चार गुणों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास और प्रयास करें। हमारी कषायें मंद हों, हम बहुत तीव्र कषायें नहीं करें। घर गृहस्थी चलाने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अपना पूरा जीवन ही उसको कमाने में निकाल दें, आत्मकल्याण की ओर, धर्म करने की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाए, तो फिर मतलब क्या? हम संसार से डरें, संसार के भय में हमारे अंदर ये उत्पन्न हो, इन कार्यों को मैं नहीं करूं, नहीं तो मेरा संसार बढ़ेगा। अनुकंपा, जीवों पर दया और करुणा करें। अपना खान पीन हम शुद्ध करें। यदि हम अशुद्ध खाएंगे, बाजार का, होटल का अमर्यादित खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो कहाँ से जीव हिंसा से बच पाएंगे? और साथ में आस्तिक्य, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करें, यही हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस भाव में भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम सब उस महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड।